महेंद्र सिंह धोनी का 17 साल बाद आईपीएल से संन्यास। बेंगलुरु से हार के बाद क्या हुआ? चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2023 में टीम को पांचवी बार चैंपियन बनाया था, लेकिन साल 2024 सीजन में चेन्नई का अब चैंपियन बनने का सपना आखिरकार टूट चुका है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए अहम मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने चेन्नई को 27 रन से मात देकर प्लेऑफ में एंट्री कर ली है। इसी के साथ चेन्नई की टीम अब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। धोनी ने टीम को जीत दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अंत में उनके आउट होते ही चेन्नई का हर फैन निराश हो गया। हालांकि इस बीच अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि धोनी जल्द ही रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने जब से इस सीजन में एंट्री की है, तब से उनकी रिटायरमेंट को लेकर अलग अलग अफवाहें उड़ रही है। धोनी इसलिए भी आईपीएल से रिटायर हो सकते हैं क्योंकि सीजन की शुरुआत से ही वो अपनी घुटनों की चोट से परेशान है और यही कारण है कि वो ऊपर बल्लेबाजी के लिए नहीं आते हैं। धोनी ने आईपीएल की शुरुआत में कुछ बेहतरीन पारियां खेली, लेकिन जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ते गए माही नीचे बल्लेबाजी करने आने लगे। धोनी को दौड़ने में दिक्कत हो रही है। हालांकि धोनी के जिगरी दोस्त सुरेश रैना और कोच स्टीफन फ्लेमिंग यह कह चुके हैं कि धोनी अभी रिटायर नहीं होंगे और एक और सीजन खेलेंगे। आईपीएल 2023 के बाद धोनी के आईपीएल से संन्यास को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। धोनी बार बार यह कह चुके हैं कि वह क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले एक बार चेन्नई में खेलना चाहते हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण पिछले कुछ समय में उन्हें घरेलू मैदान पर खेलने का मौका नहीं मिला था। ऐसे में साल 2024 का फाइनल चेपाक में ही है और चेन्नई की टीम पहले ही चेपाक में अपना आखिरी मुकाबला खेल चुकी है। धोनी ने मैदान का पूरा चक्कर लगाया और फैंस का शुक्रिया अदा भी किया था। ऐसे में इससे भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि धोनी अब रिटायर हो जाएंगे। वहीं आखिरी बार चेपाक में खेलने का धोनी का सपना इसलिए भी टूट गया क्योंकि अब टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है और चेपाक के मैदान पर आईपीएल 2024 का फाइनल दो अलग टीमों के बीच होगा, लेकिन उसमें चेन्नई नहीं होगा। बता दें कि पिछले साल ही धोनी ने यह कहा था कि यह उनका करियर का आखिरी फेज है। कोविड के बाद धोनी को जब फैंस देखने आए थे तब उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया था। इसके अलावा केकेआर के खिलाफ मैच के दौरान भी पिछले साल धोनी ने कहा था कि इस बार सब मेरा सपोर्ट करने आए हैं, लेकिन अगली बार सभी केकेआर की जर्सी में आएंगे। फैंस ने मुझे फेयरवेल दिया, ऐसे में मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बता दें कि चेपाक में साल 2024 के आखिरी मुकाबले में लैप ऑफ ऑनर के दौरान धोनी ने ऑटोग्राफ की गई बॉल फैंस में बांटी थी। धोनी ने साल 2024 सीजन में जैसे ही यह ऐलान किया कि वो ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का नया कप्तान बना रहे हैं, फैंस को यह संकेत मिल गया था कि धोनी का यह आखिरी सीजन होने वाला है और चेन्नई के आगे के विरासत संभालने के लिए उन्होंने एक युवा खिलाड़ी को जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि गायकवाड़ कप्तानी में अपने आप को साबित नहीं कर पाए, ऐसे में धोनी अगला सीजन खेलेंगे या बीच में संन्यास का ऐलान कर देंगे फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिला है। लेकिन धोनी एक ऐसे खिलाड़ी है जो फैंस को सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को अगले सीजन भी खेलना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।